दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का लेक्चर नंबर 5.1। यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी हिंदी में कहते हैं इसको क्या, सांतत्य और अवकलनीयता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि आज जो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही जर्नी, ये आपकी प्रोपोर्शन यानी कि आपका जो कैलकुलस के अंडर आता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में यानी कैलकुलस के 5 चैप्टर आप में हैं, जो इसका वेटेज यानी कि जो आपके 45 मार्क्स के आते ही आते हैं। ठीक है, ऑफिशियल है 45 मार्क्स का आना, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आपके 60 नंबर के आसपास पहुँच जाते हैं। बात समझिएगा मेरी, यानी कि जो प्रिंटेड है कि इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के यहाँ पे आएंगे, 44 नंबर केवल लिखने में है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आपके 60 to 65 में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये 5 चैप्टर जो आपके कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रख के समझेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना समझते जाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको पता है आप कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं हमको, बिल्कुल आप उसी तरह हमको कॉन्टैक्ट करिएगा। जब तक समझ में ना आए तब तक आप हमसे पूछते रहिएगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन बात आप जानते हैं क्या होगा, आराम से आप चीज़ें करेंगे। और याद रखिएगा, जब तक समझ में आए तब तक आप पूछते रहिएगा, तब तक मैं आपको बताता रहूँगा। बस आपको देखो पूछना है, जब तक आप पूछेंगे तब तक क्या हम बता भी नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको पूछना है चीज़ें क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या सांतत्य और अवकलनीयता। यहाँ पे आपके पास 2 टॉपिक है। ठीक है, यानी कि सांतत्य अलग है, अवकलनीयता आपका अलग है। यानी कि सांतत्य को हम लोग अलग तरीके से चेक करेंगे, अवकलनीयता को यानी डिफरेंसिबिलिटी को हम लोग अलग तरीके से चेक करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर एक मेजर टॉपिक आपका आता है। ठीक है, जो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं नहीं भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सर 11th क्लास में हमने ये नहीं पढ़ा तो सर ने यहाँ पढ़ाया भी ढंग से नहीं। बिल्कुल 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो मैटर नहीं करता, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो उससे अच्छा मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, बस इतना आप मान के चलिएगा। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर करी जाएंगी। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, अच्छा हाँ, टॉपिक क्या था? टॉपिक का नाम आपका डिफरेंशिएशन है, यानी कि अवकलन है। ठीक है, अवकलन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे लिमिट आपने पढ़ा होगा, उसी के जस्ट पार्ट है, यानी दूसरा पार्ट था अवकलन, 11th क्लास में था आपका। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बात करें, क्योंकि आपको अवकलन नहीं आएगा तो चीज़ें सब बेकार है। क्योंकि अवकलन नहीं आएगा तो अवकलन इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6 वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद जो 7 नंबर होगा अवकलन नहीं आता तो आप समाकलन नहीं कर पाओगे, समाकलन नहीं कर पाओगे तो समाकलन के अनुप्रयोग नहीं हो पाएंगे, और समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन नहीं हो पाया तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस चैप्टर को समझना है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके 4 चैप्टर और बचते हैं सब में यूज होता है। अब आपने डिफरेंशिएशन का नाम सुना यानी कि अवकलन का नाम सुना है तो आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, तो चीज़ें आप बिल्कुल समझते रहिएगा, क्या चीज़ यहाँ समझिएगा। अब बात करते हैं सांतत्य यानी कि कॉन्टिन्यूटी की, फिर डिफरेंशिएबिलिटी में बात करूँगा। क्वांटिटी एक्चुअली हम थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद आपका जो मैथमेटिकल होता है वो चीज़ में समझाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़े बहुत ज़्यादा, ये चीज़ कैसी होती है वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ही नहीं। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझेंगे, एक्चुअली बिल्कुल जैसे समझते नहीं बच्चों की तरह, वो चीज़ हम समझेंगे, बहुत प्यार समझेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, यानी कि बिल्कुल अलग अलग डिफाइन करूँगा मैं। अब बात करता हूँ क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी, अब आपने एक इंग्लिश में टेंस सुना होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि सर जो चीज़ लगातार चल रही हो, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? यानी कि लगातार चलना, कंटिन्यू कहते नहीं, कंटिन्यू चलते रहो, इसका मतलब क्या है? लगातार हम चल रहे हैं। जब हम लगातार चलेंगे मतलब क्या, लगातार चलना मतलब क्या, कॉन्टिन्यूस है। तो उसी तरह यहाँ पे जो फंक्शन होगा, फंक्शन भी आपका लगातार ऐसे चलेगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है मेरा, थोड़ा सा रफली मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, समझिएगा, ये आपको नोट नहीं करना है, समझना है। जब आपको नोट करना होगा मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक आपका यानी कि कोऑर्डिनेट बना लिया, आपको पता है इधर x होता है, इधर सर x डैश होता है, इधर y डैश, कोई कोई x डैश लिखता है, कोई कोई माइनस x लिखता है, वो अपना लिखने का तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब लगातार चलने का मतलब क्या है? जैसे हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिया, ये आपका फंक्शन यहाँ पे बना लिया, मैंने बना लिया फंक्शन। अब फंक्शन देखिए यहाँ से लगातार चल रहा है, रफली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लगातार क्या, लगातार यहाँ से देखिए आपका फंक्शन चल रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और मैं अभी आपको चेक भी करवाऊंगा, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि आप देखते ही पता लगा लेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा लेकिन आपको स्टार्टिंग है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन देखिए अब यहाँ पे हमने क्यों लिया, अब जरूरी नहीं कि ये यहीं पे बाउंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से आएगा, अब यहाँ से बना तो सकते नहीं क्योंकि इसमें जितनी भी वैल्यू रखेंगे हम लोग वो आपको मिलती रहेगी।
क्लियर बात। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर इक्वेशन आपकी किसकी, ये आपकी इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर इजल टू 4ay, ये आपका पैराबोला होता है। बात बनते कि नहीं आती ये। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा, y रखेंगे x मिलेगा, इस तरह बहुत से वैल्यू हम रखते जाएंगे, हमको मिलती रहेगी। जब वैल्यू मिलती रहेगी तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट करते रहेंगे, चीज़ डायग्राम बनता रहेगा, और ये डायग्राम आपका कभी खत्म नहीं होने वाला, याद रखिएगा। इसलिए इसको क्या बोला, इसको आपको कंटिन्यूअस बोला जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस चल रहा है। ये तो पैराबोला की हमने बात करी, यानी कि परवलय की बात करी। अब इसी तरह यहाँ पे एक वर्ड और यूज होगा, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ये चीज़, ये आपका साइन का डायग्राम होता है, बस समझे ना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको ये चलता रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका डायग्राम होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा चीज़ें कैसे क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। ठीक है, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, देखिए ये कंटिन्यूस चल रहा है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म होगा, ये इधर चलेगा, और ये जो चीज़ है ये चीज़ इधर भी आपकी चलेंगी। तो ये मतलब क्या, ये मतलब बेसिक लैंग्वेज देखा जाए, हाँ सर ये डायग्राम लगातार चल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कंटिन्यूस हो। तो कंटिन्यूस क्या होता है, जो चीज़ लगातार सर चल रही है, कहीं ब्रेक ना हो, वो आपकी कंटिन्यूस। अगर कहीं ब्रेक हो जाए क्या हो जाता है, वो सर डिसकंटिन्यूस हो जाता है, यानी कि असंतत हो जाता है। जैसे यहाँ संतत आया, यानी कि कंटिन्यूस हो रहा है, असंतत मतलब यानी कि जहाँ पर सर थोड़ा सा ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब ब्रेक कब होगा कैसे होगा दिखाया। अब यहाँ बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया सर, मतलब क्या हो गया, ये आपका डिसकॉन्टिन्यू, थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ मतलब डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। डिसकॉन्टिन्यू मतलब असंतत्य, असंतत्य बोलते हैं, कभी सांतत्य आता है, कभी संतत आता है, असंतत आता, कोई मिल रहा नहीं, सबका मीनिंग यही होता है। ठीक है, अभी कहाँ पे कौन सी वर्डिंग कैसे यूज की जाती है वो भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मीनिंग सबका सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो चीज़ हमने सीखा है क्या, कंटिन्यूअस सीखा है, बिल्कुल बेसिक तौर पे, यानी कि जो चीज़ लगातार चल रही हो वो आपका कंटिन्यूअस होता है, बोर नहीं होना है। मैं मुझे पता है मैं रिपीट कर रहा हूँ कई चीज़ें, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी माइंड में हमेशा चलती रहे। ठीक है, तो बोर बिल्कुल मत होइएगा कि ऐसा क्या सर बार बार यही बता रहे हैं, आपको वो चीज़ माइंड में नहीं लाना है, आपको मेरी बातें सुनना है, अच्छी लग रही है तब भी, नहीं लग रही है तब भी, क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, यानी कि लगातार सर जो चीज़ चल रही है वो सर कंटिन्यूअस मेरे साथ कहते रहिए। ठीक है, जो सर थोड़ा सा ब्रेक हो जाए क्या हो जाता है सर, असंतत, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, माइंड में रखना। कभी कभी मैं कंटिन्यूअस यूज करूँगा मतलब यहाँ पर संतत की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभी डिसकंटिन्यूअस यूज करूँगा मतलब आप समझिएगा यहाँ पर असंतत की बात हो रही है। क्लियर बात, डिफरेंशिएबिलिटी को मैं बहुत अलग से बिल्कुल तरीके से सोचूंगा, यानी कि बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, उस पर भी यहाँ पे मैं बात करूंगा, उसकी टेंशन न लीजिए, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली टर्म में, यहाँ पे लिखा गया प्रश्नावली 5.1 में यूज कर रहा हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3। अब आपको यहाँ फंक्शन देखो दे रखा है, मैंने आपसे कहा था कोई ना कोई आपको फंक्शन दिया जाएगा, अब हमको इस फंक्शन को बताना है कि फंक्शन आपको कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मैंने आपसे कहा था पॉइंट भी दिया जाएगा, जब पॉइंट नहीं दिया जाएगा मैं उसकी आपको बाद में बात बताऊंगा, लेकिन चलिए यहाँ पर क्या बोला गया, आपको x बराबर 0 पे चेक करना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यू फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, x बराबर -3 पे चेक करना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, x बराबर 5 पे चेक करना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आप पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या 0 दे रखा है तो मैं पहले 0 से चेक करूँगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे यहाँ पर सिद्ध करना है तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ, उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा, तो मैं यहाँ पे एफ एक्स राइट कर लेता हूँ, कितना 5x-3। ठीक है, देन आपको क्या काम करना है, x बराबर 0 पे लिखना, सबसे पहले यहाँ पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मान लेते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख लिया। ठीक, अब हमको x बराबर किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर क्या निकालना पड़ता था सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे क्या, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा लिमिट, मैं जिस तरह लिख रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ उसको अपनाना है, ध्यान से पहले सुनेंगे उसके बाद आप काम करेंगे। क्या लिखे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा। अब सिंपल समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने कोई 5 नंबर है, तो 5 के आपको लेफ्ट में जाना है, आपके पास कोई 5 नंबर है, 5 के आपको लेफ्ट में जाना, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ माइनस करेंगे ना। चलिए यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ लिखा हमने 5, तो 5 का लेफ्ट क्या हुआ, 5 का लेफ्ट ये हुआ, और राइट क्या हुआ, राइट सर ये हुआ। तो मैं राइट की मैं बाद में बात करूँगा जब राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, अभी मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है 5 से थोड़ा सा पहले नंबर कौन सा आता है सर, 4 आता है, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल 4 आता है, लेकिन 4 कैसे आता है, जब सर 5 में हम 1 माइनस करते हैं तभी तो 4 आता है, मानते कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल। इसका मतलब क्या, जब सर हम किसी नंबर के लेफ्ट में जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
बात क्लियर। यानी कि नंबर के हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमको माइनस करना पड़ेगा, और नंबर के जब हम राइट में जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सर प्लस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो हम किस में दें, जीरो पे से कर रहे हैं तो हमको जीरो के लेफ्ट में जाना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखें क्या, एक्स टेंस टू जीरो, कहाँ जा रहे हैं जीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये यहाँ लगा है माइनस। ये माइनस ये बताता है कि हम उस नंबर के कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, ऊपर जो माइनस लगता है। बात क्लियर? हाँ सर बात क्लियर। अब क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा आपका एफ एक्स, पर जो चीज़ बता रहा हूँ वो माइंड में रखिएगा बस, उम्मीद करें इतनी चीज़ समझ में आएगी। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। फंक्शन क्या है, फंक्शन तो सर ये है, तो एफ एक्स चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कहानी हो गई। अब हम जीरो में कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, और कितना लेफ्ट में जा रहा हूँ ये तो सर पता चलेगा हम कितना माइनस कर रहे हैं। फाइव में हमने वन माइनस किया सर हम फोर पे आ गए, क्योंकि वन हमको माइनस किया। फाइव में टू माइनस किया सर हम थ्री पे आ गए, क्योंकि जितना हम माइनस करें उतना तो लेफ्ट में जाएंगे, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट पता नहीं हम कितना माइनस करेंगे, बिल्कुल हम माइन्यूट से वैल्यू यानी कि ना के बराबर वैल्यू माइनस करते हैं, बस समझिएगा बिल्कुल ना के बराबर वैल्यू। और वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू हम मानते हैं यहाँ पे एच, यानी कि एच क्या है, एच बिल्कुल आपकी माइन्यूट वैल्यू है जो हम यहाँ जीरो से माइनस करके उसके लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत दूर नहीं जाना है हमको, यानी कि जैसे फाइव में है, फाइव से हमको फोर पे नहीं जाना है, वो मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फाइव से फोर जाएंगे तो समझ जाएंगे जल्दी। हमको फाइव से कहाँ जाना है, 4.99, 4.98, 4.90, 4.8, बहुत है, इतना ही जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको। बात समझ में आई, तो यहाँ एच क्या है, एच आपको हो सकता है 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो माइंड में क्लियर रखिएगा। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे सर एच जीरो निकालना। अब सर ये कैसे आ गया, अरे हाँ यार ये कैसे आ गया, ये चीज़ समझ में आई, हाँ सर ये तो आई, क्योंकि हम जीरो के साथ लेफ्ट में जा रहे हैं इसलिए हम माइनस किया, और कितना लेफ्ट में जा रहे हैं सर, हम एच लेफ्ट में जा रहे हैं। एच सर क्या है, बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू है। बार बार ये सुनिएगा, दो बार कम से कम वीडियो को पॉज करके वापस जाके ये जो मैंने बोला ये आप सुनिएगा, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। ठीक है, अब सर सवाल उठता सर ये एच की वैल्यू जीरो कैसे आ गई, ध्यान देखिए एक्स किस पे चेक कर रहे थे, सर जीरो पे चेक कर रहे थे, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, सर जीरो रखेंगे, जीरो से जीरो क्या होगा सर, चला जाएगा, चला जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं होता, तो एच क्या हो जाएगा, एच सर ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ जीरो रखेंगे, एच इधर लाएंगे सर पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो उधर जाएगा, उधर जाएगा, जीरो माइनस जीरो मतलब क्या, जीरो, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। बात समझ में आई, यानी कि जिस पॉइंट पे देख रहे हैं वो वाला पॉइंट यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद एच की वैल्यू निकलती है, और एच की वैल्यू हमेशा जीरो ही निकलेगी, ये बात रखिए। चलिए सर ठीक है, अब क्या हमने सर एच लिया, यानी कि हमने जो फंक्शन बनाया एच में, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ लिमिट, अब हम यहाँ लिमिट को चेंज कर दे रहे हैं, यानी एक्स हमने कन्वर्ट कर दिया कि एच में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ एच लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है सर, यहाँ एक्स था तो यहाँ फंक्शन भी x का चल रहा था, लेकिन सर यहाँ h आया है तो फंक्शन भी किसका होना चाहिए, h का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ लिखेंगे 5, सर 5 था 5 लिखा, x की जगह आप क्या कर सकते हैं, अब x की जगह देखो वैल्यू क्या है, 0 माइनस एच, तो क्योंकि यहाँ h है तो हमको h लाना पड़ेगा, तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे जो ऊपर वाली कितनी 0 माइनस का हमने यहाँ पर रखा एच रखा, माइनस का यहाँ पर 3 था, माइनस का 3 चल रहा है। बात समझ में, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने चेंज किया। अब यहाँ पे रखते हैं लिमिट, अब एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू सर जीरो है, जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो रख दीजिए, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का 0, यहाँ आएगा 3, तो यहाँ कितना आएगा 5 को मल्टीप्लाई यहाँ 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का 3, 5 मतलब 0 माइनस का 3 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा माइनस का 3। बात समझ में आई, ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन आपको ऑलरेडी क्या करना, 5 × 0 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3, ये सब किया हम समझाने के लिए आपको कर दिया है, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। कैसे पता चलेगा कि सर जब यहाँ माइनस होगा मतलब हम किसी फंक्शन का लेफ्ट में जा रहे हैं, प्लस हुआ तो राइट में जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो यहाँ हमको संतत सिद्ध करना, इसका मतलब आएगा ही आएगा, तीनों वैल्यू बराबर आएंगे उसकी टेंशन आप ना लीजिएगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है। तो क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, मैंने आपसे बताया था जिस नंबर पे आपको चेक करना होता है, राइट में जा रहे हैं सर प्लस करिए, लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस करिए, ये आप माइंड में रखिएगा। मैं इतनी बार बोल दूंगा आपको याद हो ही जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इतनी बार आपको रिपीट कर दूंगा चीज़ें तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर हाँ ये नहीं हुआ तो आप बिल्कुल बताइएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी, बस आपको समझना है। यहाँ क्या लिखा, राइट में जा रहा है सर प्लस लगाया, एफ एक्स था तो एफ एक्स लिख दिया, सेम वही प्रोसीजर,
ठीक है, फिर यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस। अब मैंने क्या एफ एक्स की सर वैल्यू रखी थी जो था, बिल्कुल सही, वहाँ पे रखेंगे जो है वही रखेंगे, 5x-3 हमने राइट किया। फिर यहाँ क्या किया, x इजिकल टू माइनस था तो माइनस एच किया, यहाँ क्या था जीरो था, जीरो प्लस एच किया। बात क्लियर, बिल्कुल सर है। यहाँ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हुई, कि सर x की जगह हमको जीरो रखना पड़ेगा, और जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो सर h क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ सर बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, अब हमने लिमिट चेंज करी किसमें, सर हमने लिमिट चेंज करी ये हो गई। अब क्या रखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ 5 हमने ऐसे लिखा, जब आपने लिमिट को चेंज कर दिया है तो फंक्शन भी तो चेंज होना चाहिए, यानी कि h में लिमिट है तो h का फंक्शन होना चाहिए, तो x की जगह क्या हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा जीरो प्लस h हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, यानी कि 5 जीरो प्लस का जीरो, क्योंकि h की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, माइनस का 3, तो 5 इंटू यहाँ पर कितना आया जीरो, यहाँ आएगा माइनस का 3, यहाँ आएगा जीरो माइनस का 3, देन कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये क्या निकाला आपने, सर ये निकाला राइट हैंड लिमिट। ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी माइनस 3 आई थी, राइट हैंड लिमिट माइनस 3 आई, लेकिन अब बचा क्या, फंक्शन की वैल्यू। तो आप चलिए फंक्शन निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स कितना है आपका, एफ एक्स सर है 5x-3, और फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालना है सर, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं किस पे निकालना है, जीरो पे निकालना है। तो 5x की जगह हमने यहाँ जीरो रखा, तो सर यहाँ भी जीरो रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। 5 का मल्टीप्लाई जीरो से, सर जीरो आ जाएगा, यानी कितना आएगा माइनस का 3, यानी कि एफ ऑफ जीरो कितना आ गया सर, माइनस का 3। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जितनी आई है उतनी राइट हैंड लिमिट आई है, उतनी ही फंक्शन की वैल्यू आई है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं क्या, कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ जीरो। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा, अतः मैंने आपसे कहा था क्या, जब तीनों वैल्यू सेम हो, यानी कि तीनों वैल्यू बराबर, तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन आपका संतत होता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल एक और उठता है, पहले यहाँ लिख देते हैं क्या, अतः फलन संतत है यहाँ पे x बराबर जीरो पर। अब सवाल यहाँ पे क्या उठता है सर, यहाँ पे देखिए वर्डिंग दूसरी आ रही, दूसरी कहने का मतलब क्या आ रहा है सर, यहाँ पे आपने अभी बताया संतत और संतत, तो उसको भी मैं अब यहाँ पे क्लियरिफाई करूँ। संतत जब आपकी प्रूविंग में कहा जाएगा, जब आपको प्रूव करना कहा जाएगा, तो हमेशा संतत लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि बताइए क्या ये हो सकता है कि ये संतत है कि नहीं है, तो वहाँ हमेशा, यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा या आपको निकालना पड़ेगा, तो वहाँ हमेशा संतत लिख के आएगा। लेकिन जब प्रूविंग होती है तो हमेशा संतत लिख के आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक की जो क्वेश्चन है, वहाँ पे जहाँ जहाँ चीज़ें आपसे कही जा रही हैं या जहाँ जहाँ सिद्ध करना है वहाँ संतत है, वहाँ संतत है, और जहाँ जहाँ आपसे खुद पूछा जा रहा है कि हम बताइए कि एग्जामाइन करिए, यानी कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वहाँ हमेशा संतत है। ठीक है, तो बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन निकालना तो सब में वही है, अपनी माता पच्ची का ही करी जाए, है ना, सिंपल सा आराम से हो जाएगा। तो ये किसके लिए था, x बराबर जीरो के लिए था। अब हम बात किसके लिए करेंगे, x बराबर माइनस 3 के लिए। अब आपका एफ एक्स तो वैसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या, x इक्वल टू माइनस 3 पे हमको चेक करना है कि फंक्शन आपका संतत है कि नहीं है वो आपके। ठीक है, कभी कभी मेरे को संतत निकलेगा, कभी कभी संतत निकलेगा, लेकिन आप समझिएगा दोनों बातें क्या होती, सेम होती है, क्योंकि सर उसमें भी LHL RHL फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें भी सर हमको निकालना पड़ेगा, इसीलिए आप समझते रहिएगा। अब क्या निकालेंगे सर, यहाँ निकालेंगे हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। और आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालते थे सर, हम किसी नंबर के लेफ्ट में जाते थे, लेफ्ट मतलब सर माइनस करना पड़ता था, बिल्कुल सही बात। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं सर, माइनस 3 पे चेक कर रहे हैं, तो ये माइनस 3 तो सर ये जो नंबर है वो बताता है, लेकिन जो ऊपर माइनस लगता है ये बताता है कि सर हम किसी नंबर के लेफ्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा सर, अभी यहाँ एफ एक्स लिखा था, एफ एक्स लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात। बस आप समझते चलिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। यहाँ माइनस 3 लिखा, यहाँ ऊपर माइनस माइनस लिखा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा सर, 5x-3 हो जाएगा। यही काम तो हमने सेम प्रोसीजर किया है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इजिकल टू माइनस 3, फिर माइनस कितना माइनस कर रहे हैं सर, h माइनस कर रहे हैं, h की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहाँ भी जीरो। मैंने आपसे बताया क्यों जीरो हुई, कि x की जगह आप क्या रखोगे, जीरो नहीं रखना है, माइनस 3 रखना है, और माइनस 3 से माइनस 3 रिमूव हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आएगी सर, जीरो ही आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। अब क्या करेंगे सर, अब लिमिट को हम चेंज कर लेंगे, है ना, तो लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ आएगा माइनस 3, यहाँ आएगा माइनस का h, यहाँ आएगा माइनस का 3। अब क्या करेंगे सर, नॉर्मल अब लिमिट रख देते हैं, बिल्कुल सही बात। यहाँ आएगा माइनस का 3, h की जगह क्या हो जाएगा, h की जगह सर जीरो हो जाएगा, माइनस का 3। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 3
माइनस जीरो कितना आएगा, माइनस थ्री आएगा। माइनस थ्री का मल्टीप्लाई 15 पाँच से करेंगे तो माइनस का 15, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ पे 18, यानी कि माइनस का आपका 18 आ गया। ये क्या निकाला आपने, ये आपने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करेंगे क्या राइट हैंड लिमिट की। तो आरएचएल में आपको बताया गया किसी नंबर के, जब हम आरएचएल की बात करते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ माइनस था वहाँ हम प्लस करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ तो माइनस लगेगा क्योंकि ये नंबर है माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा एफ एक्स। सेम प्रोसीजर वही अपनाना है जो हमने अभी स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। आपको नहीं पता होगा यहाँ पे देखिए क्या है, सेम वही प्रोसीजर, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस वैल्यू जो यहाँ पे दी है वही हमने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा माइनस थ्री, प्लस आ जाएगा एफ एक्स, कितना हो जाएगा फाइव एक्स, माइनस के यहाँ पे थ्री हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। अब इस बार प्लस कर रहे हैं एच हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अब उम्मीद करें ये बताना नहीं पड़ेगा आप, क्या एच कैसे जीरो आया, माइनस खुद सर क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, एक्स की जगह रखेंगे माइनस थ्री, माइनस थ्री से माइनस थ्री रिमूव होगा, एच की वैल्यू सर ऑलरेडी जीरो आ जाएगी, ठीक है। तब भी आपको लग रहा है सर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल दूर करी जाएंगी। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिमिट हम सर चेंज करेंगे, एच टेंस टू यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ फाइव लिखा जाएगा। अब इस यानी कि लिमिट हमने चेंज करी एच में, सर फंक्शन भी एच में चेंज होगा, कितना हो जाएगा माइनस थ्री प्लस का एच हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का थ्री। चलिए यहाँ पे देखिए अब एच की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, माइनस थ्री एच कितना है यहाँ पे जीरो है, तो एच की जगह यहाँ पे जीरो रखा जाएगा, माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस जीरो सर माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री में का मल्टीप्लाई फाइव से करेंगे सर माइनस का 15 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 चल रहा कितना आ जाएगा माइनस का सर 18 चल रहा, यानी कि एल एच एल माइनस का 18, आर एच एल माइनस का 18। अब निकालते हैं क्या फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू सर हम निकालेंगे क्या एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है फाइव एक्स माइनस थ्री, किस पे चेक करना है सर माइनस तीन पे चेक करना है, तो एक्स की जगह रखेंगे सर माइनस तीन, यहाँ भी रखेंगे तो एक्स की जगह यहाँ भी माइनस तीन रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, माइनस प्लस माइनस आएगा, पाँच पंद्रह हो जाएगा माइनस तीन, यानी पंद्रह माइनस तीन कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 15 माइनस का 3 है तो माइनस का 18। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई सर माइनस का 3 आई। तो ध्यान से रखिए क्या, ये भी आपका माइनस 18, ये भी माइनस 18, ये भी माइनस 18, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि सर जो एल एच एल आपका है वो इक्वल है किसके आर एच एल के, और वो इक्वल है किसके सर फंक्शन यानी कि एफ ऑफ माइनस के 3 पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे अतः फलन बराबर माइनस 3 पर संतत है, ठीक है। अब फलन यहाँ बात हम ये कह रहे हैं आप लिखो लिखना है, ये भी लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, वो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लिख देंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर संतत हो गया, तो इसी प्रोसीजर से आपको काम करना है, आपको कोई यहाँ पर आपको बदलना नहीं, क्वेश्चन कैसा भी आया कोई दिक्कत नहीं, मैं हार्ड टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा और चीज़ें खूब प्रैक्टिस कराऊंगा और क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है। चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको हो रही है बिल्कुल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा देर ना करिएगा ना, जो भी परेशानियाँ होंगी बताइएगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्या, हमने x बराबर जीरो के लिए किया, हमने x बराबर माइनस तीन के लिए किया, अब क्या बचा x बराबर सर पाँच के लिए बचा, वो कौन करेगा, वो सर आप करेंगे, ठीक। क्या क्या करना है, जहाँ जहाँ माइनस तीन है वहाँ वहाँ आपको पाँच रखना है, उसके बाद चेक करना है कि सर एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू सर तीनों इक्वल हैं, तो सर फंक्शन संतत हो गया, नहीं है तो असंतत हो गया, लेकिन सिद्ध करना है तो संतत आएगा ही आएगा, तो आप ये ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका थर्ड है, ठीक है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम उसी तरीके का है, वो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई परेशानी आपको है तो चीज़ें आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, वरना आप चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन में चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित फलनों के संतत की जाँच कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमने वहाँ पर सिद्ध करना किया था तो वहाँ संतत लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला कि जांचना है, यानी कि उनको बताना है कि ये चीज़ क्या है, संतत है कि असंतत है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है संतत है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक। तो वर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, हमको चीज़ें करनी तो उतनी है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये कि यहाँ पे सर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, सर फंक्शन तो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, लेकिन कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। तो याद रखिएगा जब पॉइंट दे रखा सर हम उस पर चेक करेंगे, नहीं होगा तो सर हमने हमको एक पॉइंट लेना पड़ेगा अपने मन से, और वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट आपको हमेशा सारे क्वेश्चन में वही यूज करना है, आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। यानी कि जो माइंड सेट आपको एक क्वेश्चन में लगाना है वही माइंड सेट आपको सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। मैंने आपको कहा था कि एक ही प्रोसीजर से मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं सब कुछ अलग अलग करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर सर पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे क्या सॉल्यूशन, अब हमको चेक करना है इस पर, तो पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का फाइव।
अब हमको खैर कोई पॉइंट नहीं पता है, तो यहाँ पॉइंट हम लेंगे क्या, एक्स इक्वल टू सी, लेकिन हमको सी बताना पड़ेगा, सी बिलोंग करता है क्या, रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का कोई एक पॉइंट है सी, यानी कि सी में करेक्ट हो गया, यानी सी में यह संतत हो गया, तो रियल नंबर के आप कोई भी पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा, हमेशा ये फंक्शन कैसा होगा, संतत होगा, ठीक है। अब आप, मैं ये यहाँ पे सी लेके कर रहा हूँ, आप मैंने कहा कोई भी नंबर, आप 2 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, -3 ले लीजिएगा, -4 ले लीजिएगा, -28, -20 कुछ भी ले लीजिएगा, सब पे करेक्ट आएगा। जब आपके पास टाइम होगा तो आप करके देख लीजिएगा। क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर करना है जो मैंने चीज़ आपको स्टार्टिंग बताई है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जब पॉइंट नहीं दिया जाएगा तो आपको हमेशा सी यूज करना पड़ेगा। सी की जगह आप कोई भी और कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सी हम हमेशा यही यूज करेंगे। तो आप भी कोशिश करिए कि आप एक बार पढ़ रहे हैं तो इसको यही आप यूज करिए। तो यह काम क्या होगा, हमको सी पे यूज करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सर निकालना पड़ेगा LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका एफ एक्स हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, c इस पॉइंट से करना था, माइनस क्या बताता है, याद करिए क्या बताता है, सर हम किसी नंबर के लेफ्ट में जा रहे हैं, बस ये यहां माइनस होगा कि मतलब सर वो नंबर निगेटिव है, लेकिन यहां माइनस बताता है सर हम किसी नंबर के लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम ऐसे लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जाएगा आपका एक्स माइनस फाइव हो जाएगा, जो चीज दी हुई। अब यहाँ क्या करते थे, यहाँ लिखते थे सर एक्स इजिकल टू जो पॉइंट होता था वो लिखते थे, यहाँ माइनस था तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे एच है तो एच हो जाएगा, यानी कि इस नंबर के हम लेफ्ट में जा रहे हैं। एच क्या आता था सर, एच तो सर जीरो आता था, क्यों आता था ये भी आप पूछ, आपको माइंड क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्यों आता था अपने आप से, सर जब एक्स की जगह हम यहाँ पे सी रखेंगे, सर सी से सी कटेगा तो एच क्या आएगा, सर जीरो आ जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए यहाँ क्या आएगा, लिमिट, अब हमने लिमिट किसमें चेंज कर दी, सर एच में चेंज कर दी, सर फंक्शन भी सर एच में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो इस एक्स की जगह क्या होना चाहिए, सर ये रखना पड़ेगा, यानी कि सी माइनस का एच रखना पड़ेगा, बाकी जो सर फाइव चल रहा फाइव चलेगा। अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जब एच यहाँ दिख रहा है, यानी कि सी माइनस का जीरो माइनस का फाइव, और सी माइनस का जीरो माइनस का फाइव, यानी कि सी माइनस का फाइव हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो यहाँ आएगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा। अब सी प्लस मतलब हम सर किसी ही नंबर के राइट में जा रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आएगा एक्स टेंड्स टू सी प्लस, एफ एक्स का पहले आपको रखना पड़ेगा कितना, एक्स माइनस का फाइव सर हमने रखा, फिर यहाँ क्या करते थे, एक्स इजिकल टू सी प्लस एच, यहाँ माइनस था तो माइनस किया था, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एच कितना आएगा, एच आपका सर जीरो हो जाएगा, क्यों आया वो आपको पता हो गया, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच टेंस टू, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सर सी प्लस एच माइनस का यहाँ फाइव चला है, माइनस का फाइव चलेगा, लिमिट रख दूंगा सी प्लस जीरो माइनस का फाइव, कितना आएगा सी माइनस का फाइव। तो यहाँ देखिए एल एच एल वही आया, आर एच एल वही आया। अब निकाल लेते हैं क्या फंक्शन, यानी कि फंक्शन कितने, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स माइनस का फाइव। हमको चेक करना सर सी पे, तो एक्स की क्या रखना पड़ेगा, सी रखना पड़ेगा, सर यहाँ भी सी रखना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, इक्वल आई। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि सर एल एच एल एंड आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या, तीनों सर इक्वल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, अतः फलन x बराबर c पर, और c किसको बिलोंग करता है, ये जब आप c लिखेंगे तो ये लाइन लिखना मत भूलिएगा आप, ठीक है। अतः फलन, फलन की बात कर रहे हैं तो आप फलन के साथ ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ से कहा था, या नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, संतत है, ठीक है। तो आपको जाँचना था तो यहाँ क्या आ गया, संतत आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये संतत आ क्यों रहे हैं, ये भी तो उतना ठीक है। तो माइंड में याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा बहुपद, आपने पढ़ा होगा एकल बहुपद, द्वि बहुपद, त्रि बहुपद, इस तरह आपने पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा जो आपके बहुपद होते हैं वो हमेशा संतत होते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो आप ये जब कॉपी में यहाँ लिख रहे हैं तो ऊपर बनाइए नोट, लिख लीजिएगा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी ज़रूरत अभी आगे और पड़ेगी, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बात बोली थी, ठीक है। तो आपको जाके वहाँ पलट के देखना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। क्या कि बहुपद हमेशा क्या होते हैं, बहुपद हमेशा आपके संतत होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसका, यानी कि इसके जो बी सी और डी पार्ट हैं वो आप अपने आप से ट्राई करिएगा, क्या करना है, वहाँ भी आपको सी लेट करना है, सेम प्रोसीजर यही करना है, आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका फाइव लिखा है क्या, क्या एफ एक्स दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन एफ,
अब देखिए fx यहाँ पे आपको देखिए किस तरह हो गया है ना, कैसा था कैसा हो गया, तो चीज़ें आ गई। यानी कि पहले तो बिल्कुल आराम से, यानी कि बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो अभी आप आएंगे क्या, अभी यहाँ पे तीन पार्ट में, अभी तो यहाँ चलो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, अभी यहाँ पे तीन पार्ट में ब्रेक होगा, चार पार्ट में ब्रेक होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, आपको चीज़ें क्लियर करूँ। द्वारा परिभाषित फलन किस पे चेक करना है, एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है, एक्स बराबर वन पे चेक करना है, और एक्स बराबर टू पे चेक करना है कि फलन में आपका संतत है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझना है। पहले हम निकालेंगे क्या, जीरो पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले जो आपका फंक्शन है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट करता हूँ, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लिख देता हूँ क्या, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपनी कॉपी में आप जब करेंगे तो देन क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद आपको ये वाला प्रोसीजर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको फर्स्ट नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, ये काम आप करिएगा। तो हम चेक करना है एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है, तो सेम वही काम, संतत निकाले क्या सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। क्वेश्चन किसने भी करके आया कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर हम करेंगे। अब यहाँ बस फंक्शन निकालना आपको पड़ेगा, वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत वाली होगी, वो चीज़ मैं आपको अच्छा समझाऊंगा, उसको आपको समझना है। तो यहाँ लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि यहाँ लिमिट और लेफ्ट मतलब सर हम उस नंबर के माइनस कर रहे हैं, तो ये बताता सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अब आप पेन और कॉपी थोड़ा सा रखिए, उसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिए। ठीक है, ध्यान से क्या सुनना है यहाँ समझिएगा। अब वहाँ सर सिंपल सा सर फंक्शन होता था, तो हम लोग आराम से सर माइनस करें चाहे प्लस करें वही फंक्शन आराम से ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे कितने लोग आए, दो लोग आए, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीरो, अब समझिएगा यहाँ पे आपको वो क्या बोला गया, जब एक्स की वैल्यू आपकी वन से छोटी होगी तो फंक्शन आपका ये होगा, या जब वन के बराबर होगा तो फंक्शन आपका ये होगा, लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक्स की वैल्यू जब आपकी वन से ग्रेटर होगी तो आपका फंक्शन ये होगा, यानी कि फंक्शन को ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, तो समझना है। अब देखिए यहाँ हम जीरो से माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू जब हम जीरो से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा बात क्या आएगा, माइनस समथिंग ये आएगी जो भी आएगा। अब जीरो से माइनस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो था, नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे मान लो जीरो है, तो यहाँ पे क्या है मान लो माइनस वन है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इन्हीं के आसपास तो रहेगी, बीच में, मानते कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि जो भी वैल्यू होगी, जब वो वैल्यू आपकी जीरो से कम हुई, यानी कि जीरो माइनस किया तो हमने तभी तो लेफ्ट में आएंगे, जब हम जीरो से कम किए तो इसका मतलब क्या है सर, वन से भी तो कम होगी, क्योंकि जीरो क्या होता है, जीरो सर वन से हमेशा कम होता है, पहले ही जब जीरो में कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे तो सर वन से, जब जीरो से कम हो जाएगा तो वन से तो ऑलरेडी कम ही होगा, बात मानते कि नहीं मानते सर, बिल्कुल मानते हैं। यानी कि यहाँ पे जो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, जीरो से क्या होगी, जीरो से कम हो जाएगी, और जीरो से कम मतलब क्या, कहाँ आएगा सर, यहीं पे आ सकता है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ ऑलरेडी एक्स क्या है, ऑलरेडी सर जो एक्स है आपका वन से कम है, इसका मतलब सर यहाँ पे मतलब वन से कम मतलब क्या, यानी कि वन से कम मतलब जीरो भी होगा, माइनस वन भी होगा, माइनस टू भी होगा, इस तरह होगा, यहाँ बताया नहीं गया कितना कम है, तो यहाँ क्या ना जीरो भी होगा, माइनस वन भी होगा, माइनस टू होगा, लेकिन हमको क्या लेना है, जीरो माइनस वन के बीच में लेना है, इसका मतलब सर जब हम जीरो में कुछ ना कुछ घटाएंगे तो हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी, और जीरो से कम मतलब सर वन से भी कम, और वन से कम मतलब हम सर फंक्शन ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने बोली है नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाइएगा, जो चीज़ मैंने बोला उसको आप रिपीट फिर से सुनिएगा, एक बार ना आए दोबारा सुनिए, दोबारा ना आए तो दोबारा सुनिए, अगर तब भी नहीं आया तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स सर एक्स हो जाएगा, चलिए यहाँ पे अब फंक्शन आपको मिल गया, सेम प्रोसीजर क्या होगा सर, वही होगा, यानी एक्स इक्वल टू जीरो माइनस का एच, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो, सर आपने लिमिट चेंज करी तो सर फंक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, या x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह सर हो जाएगा इस बार जीरो माइनस का h हो जाएगा, और सर जब हम लिमिट रखेंगे यानी कि यहाँ पे जीरो माइनस का सर जीरो करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये कहानी क्या थी, ये तो कहानी सर LHL की थी, चलिए ठीक है, अब निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं RHL। तो RHL में क्या करना पड़ेगा सर, हमको करना पड़ेगा जीरो प्लस fx। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, समझना है आपको, अब जीरो में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, अब जीरो में हम इतना बड़ा नंबर थोड़ी नहीं ऐड करते हैं, बिल्कुल हम माइन्यूट ऐड करते हैं, मानते कि नहीं मानते सर, हाँ बिल्कुल माइन्यूट ऐड करते हैं, जब आप बिल्कुल माइन्यूट ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0.1 होगी, 0.2 होगी, ऐसा तो है नहीं कि सर 2 और 3 हो जाएगी, बिल्कुल माइन्यूट का मतलब क्या है, बिल्कुल कम वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि पॉइंट में माइनस करनी है, यानी कि ऐड करना है। ठीक है, जब ऐड करेंगे क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी 0. समथिंग होगी, यानी 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह मान लें होगा, जो भी होगा इससे कम ही होगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि जीरो वैल्यू जो भी ऐड करेंगे तब भी क्या रहेगा, तब भी सर रहेगा वो वन से कम ही,
हम कितना भी ऐड कर लें, कितने भी माइन्यूट वैल्यू ऐड कर लें, रहेगा क्या, हमेशा वन से कम, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली, हमेशा वन से कम ही रहने वाली। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, वन से कम सर यहाँ है, यानी कि यहाँ भी फंक्शन इस बार यही वाला लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ पे भी आएगा एक्स, क्योंकि सर हम जीरो में ऐड कर रहे हैं, 0.1 आ रहा है और एक्स के लिए 0.1 मतलब सर वन से कम आ रही है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन यूज किया। यहाँ क्या काम होगा सर, यहाँ काम होगा जीरो प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ रखेंगे लिमिट, यहाँ पे आप इस लिमिट हमने चेंज कर दी, तो यहाँ हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, एक्स की क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिमिट रख देते हैं कितना, जीरो प्लस जीरो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी आपकी बनी। अब यहाँ क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग फंक्शन यानी कि एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स समझिएगा, अब यहाँ लेकिन जीरो पे निकालना पड़ेगा, और जीरो यहाँ पे कहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो सर वन से कम है, और वन से कम मतलब वन भी यहाँ पे आएगा, माइनस वन पे भी फंक्शन ले जाएगा, यानी कि सर यही कंडीशन ऐसी है कि सर जो एक्स की वैल्यू वन से कम है, वन से कम मतलब सर जीरो वन माइनस वन माइनस टू की बात यहाँ कर रहा है, यानी कि फंक्शन भी यहाँ पे यही लिया जाएगा। ठीक है, तो हमको जीरो पे निकालना है, तो यहाँ पे जीरो रखते हैं सर, यहाँ पे जीरो रखते हैं, कितना आ जाएगा सर, सब जीरो हो जाएगा, यानी कि ये चीज जीरो जीरो बन गई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि सर जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी मेरी, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आई, वो सर सेम आई है, यानी कि सर इक्वल आई है। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर जो एल एच एल है और सर जो आर एच एल है और सर जो फंक्शन की वैल्यू यानी कि जीरो पे, तीनों क्या, तीनों सर इक्वल हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत है। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू क्या, वन पर। हमने यहाँ पे इसका सेकंड नंबर दे दिया, यानी कि x इक्वल टू हमको वन पे चेक करना है। तो वन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कितना आएगा लिमिट x टेंस टू वन, लेफ्ट में जा रहे हैं सर, ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे एफ एक्स। अब आपको पता है वन में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वन से सर कम होगी, और वन से कम कहाँ दिख रहा है, देखिए एक्स की वैल्यू वन से कम यही तो है, यानी कि ये वाला फंक्शन आपका इस बार लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नॉर्मल हो गई, लेकिन पहले वाले केस में यहाँ पे जीरो दिख नहीं रहा था, तो जीरो हमको लेना पड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आएगा वन माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन माइनस का एच रखेंगे, एच कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर एक्स की जगह हम लोग यहाँ वन रखेंगे, वन से वन रिमूव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, उम्मीद करें आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो यहाँ आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने सर एच चेंज किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स जगह वन माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यही है। अब यहाँ रख देंगे क्या, ये लिमिट रख देते हैं वन माइनस का, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया वन। अब निकालते हैं क्या, हम लोग आर एच एल निकालते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कितना हो जाएगा लिमिट यहाँ पे आ जाएगा एक्स टेंस टू वन प्लस, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या लिमिट x टेंस टू वन प्लस, अब देखिए वन में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, मतलब क्या होगा वन से ज़्यादा होगा, और वन से ज़्यादा कहाँ दिख रहा है सर यहाँ पे, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे वन से ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि x की वैल्यू वन से ज़्यादा यहाँ, यानी कि फंक्शन इस बार फाइव दिया जाएगा, यहाँ हो जाएगा फाइव। अब देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल आया है, नहीं आया, यहाँ पे देखिए वेरिएबल आया था, यानी कि फंक्शन सर एक्स चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सर कोई एक्स नहीं है, जब नहीं है तो हमको यहाँ लिमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे, एक्स होगा तभी एच आएगा, जब एक्स ही नहीं तो एच कहाँ से आएगा, तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ डायरेक्ट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका फाइव हो जाएगा। जहाँ जहाँ कंडीशन आपको इस तरह बने वहाँ सेम वही लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट सर वन आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है फाइव आ रही है, यानी कि दोनों आपके क्या हैं, दोनों आपके इक्वल नहीं हैं। जब दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताई थी क्या कि सर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो सर इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो हम कह सकते हैं क्या कि अतः फलन एक्स बराबर वन पर असंतत। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब क्या करना है, अब आपको एक्स इक्वल टू टू पे आपको खुद चेक करना है, क्या करना है, अब एक्स इक्वल टू को मतलब क्या वन से ग्रेटर, क्योंकि जब हम 2 के माइनस में भी जाएंगे, 2 के हम कितना माइनस करें, बिल्कुल माइनस वैल्यू क्यों भी क्या आएगा 1 माइनस 99 आएगा, जब लेफ्ट में चेक करेंगे तब भी आएगा यही नंबर, जब हम उसके राइट में चेक करेंगे यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2 से यानी कि ऐड करेंगे कितना 2 प्लस यानी 2.3 आएगा, जो भी होगा क्या वो भी 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि तब भी यही, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही फंक्शन लिया जाएगा, राइट हैंड लिमिट फंक्शन यही लिया जाएगा, फंक्शन की वैल्यू चेक करने के लिए यही फंक्शन लिया जाएगा, यानी कि तीनों चीज़ें आपकी इक्वल हो जाएंगी, क्या हो जाएगा आपका, यानी कि तीनों चीज़ सेम हो जाएगी, फंक्शन आपका संतत हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 पर संतत आया है, इस पर संतत आया है, इस पर आपका असंतत आया है, तो यहाँ पर चीज़ें यहाँ
असंतत होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा है क्या एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शन ब्रेक है और यहाँ पे देखिए कंडीशन दूसरी टाइप की आई। वहाँ पे कंडीशन क्या थी, वहाँ लेस देन एंड ग्रेटर देन इस तरह कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स इक्वल टू जीरो दे रखा है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका यहाँ पे सिंपल सी बात, अब एक्स बराबर यहाँ पे जीरो पॉइंट बोला गया तो हमको जीरो पे ही चेक करना पड़ेगा। अब अलग से कुछ नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जो पॉइंट दिया जाएगा आपको उसी पे चेक करना पड़ेगा, चाहे वो आगे दिया जाए चाहे ना दिया जाए। तो यहाँ पे लिखना क्या, एक्स बराबर हमको जीरो पे काम करना है, यानी कि जीरो पे बताना है ये पॉइंट आपका असंतत है या नहीं है, वो बताना है असंतत होगा, जो जो भी होगा वो आपके सामने अभी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पे पहले निकालते हैं क्या, यहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ जा रहे हैं सर, जीरो लेफ्ट में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ आएगा एफ एक्स। तो एक बार पॉइंट याद रखिएगा, जब आपके सामने इस तरह की कंडीशन आए यानी कि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो आए तो क्या करना है, सबसे आसान तरीका यही होता है, यानी कि इसी में सर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है और इसी में हमको राइट हैंड लिमिट चेक करना है। यहाँ पर हमको नहीं चेक करना है कि एक्स बड़ा हो रहा है कि एक्स छोटा हो रहा है, एक्स कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है वो हमको यहाँ नहीं चेक करना है। यहाँ आँख बंद करके आप इसी साइन के सामने वाला जस्ट फंक्शन आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लिमिट, यहाँ पे आया कितना एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, कितना है आपका यहाँ पे है एमॉड एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ एक्स इजिकल टू, अब इतनी कहानी तो हो गई, क्या लिखेंगे जीरो माइनस का एच करेंगे, एच कितना आएगा एसर आएगा जीरो। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो माइनस का एच यानी एक्स के लिए रखना पड़ेगा, चलिए यहाँ रख दिया जीरो माइनस का एच, यहाँ भी हमको जीरो माइनस का एच रखना पड़ेगा, यहाँ भी रख दिया जीरो माइनस का एच। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ क्या करिएगा, अब ये ना करिएगा इसे हम यहाँ रख दें, याद रखिएगा क्या याद आपको ये रखना है, लिमिट आपको तभी प्रूफ यानी कि यार लिमिट आपको तभी रखना है जब नीचे एच ना बन रहा हो। अभी तक हमने जितने भी लिमिट रखी देखिएगा क्या हमेशा एच ऊपर था नीचे नहीं था, जब आप नीचे रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जीरो, और किसी भी नंबर को जीरो से भाग देना मतलब सर बन जाता है अनंत यानी कि इन्फिनिटी बन जाता है, यानी कि फंक्शन ही आप गायब कर दे रहे हो यानी कि अपरिभाषित बना दे रहे हो, चीज़ें वहाँ गलत हो जाएंगी। तो याद रखना है लिमिट आप जब पुट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या एच नीचे है कि नहीं है, अगर एच नीचे है तो एच को पहले आपको गायब करना पड़ेगा तभी आप लिमिट रख सकते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जीरो माइनस का एच आएगा, लेकिन सर लगा है मॉड, मॉड के बाहर नंबर क्या हमेशा सर पॉजिटिव निकलेगा, चलिए यहाँ पॉजिटिव निकल आया। ठीक है, जीरो माइनस है सर यहाँ निगेटिव आएगा, तो यहाँ निगेटिव माइनस का एच हो गया, अभी भी सर नहीं रख सकते तो क्या करेंगे, अब देखिए एच से रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कुछ काबिल लोग यहाँ पे ये होते हैं कि सर यहाँ जीरो रखा यहाँ जीरो रखा फिर जीरो से जीरो काट देते हैं, क्या आता है तब भी वन आता है। तो भैया जीरो अपॉन जीरो जो होती है वो आपकी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी वहाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, यानी कि आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को आपको हटाना पड़ता है जहाँ बन जाए, तो आपको ये काम नहीं करना है। उम्मीद करें आप उन काबिल लोगों में से नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यानी कि जब क्या एच अपॉन एच बने तो एच अपॉन एच को ग्रुप यानी कि ब्रेक करिए, आपको यहाँ पे जीरो अपॉन जीरो नहीं बनाना। ठीक है, ये काम आप करिएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़्यादा काबिल होंगे, ये काम आप नहीं करेंगे। क्लियर बात, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन आ गया, लेकिन सर आपने क्या बताया था, जब इसके पास एच होगा तभी आप लिमिट रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते, यानी कि जो नंबर होगा वही नंबर बाहर निकल के आएगा, यानी कि यहाँ क्या आ गया माइनस वन आ गया। अब हम क्या बात करें, अब सर हम आर एच एल की बात करेंगे, चलिए निकालते हैं आर एच एल, आर एच एल मतलब सर यहाँ माइनस था तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ सर प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ भी सर प्लस आया, इसका मतलब मैंने क्या बताया, हमने कहा जब इस तरह का साइन हो मतलब यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यही यूज करनी है, तो यहाँ भी वही फंक्शन लिख देंगे यानी कि मॉड एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो प्लस का एच हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना आ जाएगा सर जीरो आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना आएगा जीरो प्लस का यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे कितना आएगा जीरो प्लस का यहाँ भी एच हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे आएगा एच अपॉन एच हो जाएगा क्योंकि जीरो प्लस एच एच आएगा, मॉड के बाहर सर पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो एच से एच क्या होगा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट
एच टेंस टू जीरो यानी कि वन आया, और सर यहाँ पे सर देखिए एच विच नहीं आया है तो यार लिमिट तो रखेंगे नहीं, नॉर्मल यहाँ पे नंबर लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है सर हाँ इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, बिना कांटेक्ट किए आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ना, तो आप कांटेक्ट करिएगा, गारंटी मेरी है मैं सिखा आपको दूंगा, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो कितना भी कैसा हो लेकिन आपको लास्ट तक आप बने रहेंगे चीज़ें मैं बिल्कुल सिखा दूंगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में कितना कर पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ तो मैं रहूँगा नहीं, लेकिन सिखाने की बात है गारंटी मेरी है मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक कैसे सिखाऊं वो मुझे पता है मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या जब समझ में ना आए तब, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ध्यान से देखिए फिर से, लेफ्ट हैंड लिमिट सर आई माइनस वन, राइट हैंड लिमिट क्या आई वन, दोनों इक्वल है नहीं इक्वल है, जब इक्वल नहीं मतलब क्या होता है सर असंतत हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, यहाँ लिखा जाएगा कि सर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो सर इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ हम आपके फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे कहा था लेफ्ट हैंड राइट हैंड गड़बड़ कर जाए कुछ एक दोनों में से तो बस वहीं रुक जाना है, आगे जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ लिखना है क्या, अतः फलन एक्स बराबर जीरो पर असंतत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में असंतत बिंदु बताने थे, तो एक्स बराबर क्या है जीरो ही असंतत बिंदु है आपका, ये भी लिख सकते हैं, बात समझ में आई होगी उम्मीद करें सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखे यानी उस टाइप के हमने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे हैं लेकिन हमने आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराए जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर आपने ये क्वेश्चन सारे समझ लिए तो इस बिहाफ पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है तो जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उसमें जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ सारे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं यानी करे हुए हैं, आराम से आप चेक कर सकते हैं, जैसे उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तब हमसे आप कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल ए टू जेड आपको समझ में आएगी। बस आपको करना क्या है, आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है, आपके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी है, उसके बाद मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा, चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। कहीं भी कोई पॉइंट है तो आप मार करके लिख लीजिए, जैसे आपको लास्ट टाइम याद ना रहे, ठीक है, तो आप मार करके लिख लिया करिएगा, जब मैं आपको कॉल करूँ सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए तुरंत, तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।